तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है क्वेश्चन टेक्निकल में। तो गाइस, आज हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया। तो उसके बाद भी मैं बता दे रहा हूँ, मैं आज बनाने वाला हूँ एक पेंसिल कटर मशीन। तो गाइस, जो लोग स्टूडेंट है वो लोग जानते हैं कि पेंसिल को काटने में कितना ज़्यादा हाथ का दर्द होता है। तो हमने सोचा कि उन्हें एक पेंसिल कटर मशीन बनाया जाए। तो चलो, मैंने इस पेंसिल कटर मशीन को कैसे बनाया है आपको मेरा को वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो जिस जिस बंदा मेरे चैनल में फर्स्ट वीडियो देख रहे, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी तरह इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट का वीडियो मेरे चैनल में आता रहेगा। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप मेरे वीडियो को देख सकते हो। तो चलो, बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक पेंसिल कटर, जो आप कोई भी दुकान में जाओगे तो आपको 3 रुपये से 5 रुपये में मिल जाएगा एक पेंसिल कटर। उसके बाद ले लेना है एक सर्वो गियर मोटर। उसके बाद गाइस, जो हमारा सर्वो गियर मोटर है उसके ऊपर ऐसी तरह बैठा देंगे फेविक्विक से चिप करने के बाद, और इसको ऐसे ही कम करेगा। उसके बाद हम थोड़ी सी छोटी सी एक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले चाहिए हमारा एक पीवीसी पाइप। उसके बाद गाइस, हमारा जो सर्वो मोटर है उसके ऊपर बैठने के लिए हमने दोनों पीवीसी शीट से ऐसी तरह एल शेप का कर लिया है। आपको भी ऐसी तरह कर लेना है एल शेप का। उसके बाद हम फेविक्विक से ऐसे चिपका देंगे दोनों पीसों को। तो हमारा जो दोनों पीसों है उस मोटर को सपोर्ट देगा, और थोड़ी सी ऊंची भी करनी है। जो हमारा जो मोटर का शाफ्ट है वो उसको पीवीसी शीट से नहीं चिपका के रखना है, तो हम थोड़ी सी ऊंची कर देंगे। उसके बाद हमारा जो एल पीस है उन दोनों पीसों को हम फेविक्विक से जोड़ लेना है। तो हम फेविक्विक से जल्दी से जोड़ लेते हैं। तो गाइस, हमारा जो दोनों एल पीस था पीवीसी का उन दोनों पीस को हम अच्छे से मोटर से जो चिपका लिया है। उसके बाद हमारा जो पेंसिल कटर है उसके बाद थोड़ी सी फेविक्विक दे के हम मोटर का जो शाफ्ट है उससे अच्छे से जोड़ लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारा जो पेंसिल कटर है वो फेविक्विक से हम अच्छे से जोड़ लिया है। उसके बाद गाइस, ऐसी तरह आपको पीवीसी पाइप ले लेना है। ये मेरे पास पड़ा हुआ था, अपने कौन सा प्रोजेक्ट में यूज़ किया था उसका ही ये टुकड़ा है पीवीसी पाइप का। और इसको उसके बाद गाइस आपको एक पीवीसी शीट ले लेना है। उसके बाद हमारा जो मोटर का ऊपर जो एक बॉक्स टाइप का है छोटो, उसके ऊपर हमको एक होल कर लेना है जो, और हमारा जो ये पाइप है इसको भी हमारा थोड़ी सी इसको भी होल करके बड़ा कर लेना है। तो हम जल्दी से इन कामों को कर लेते हैं। तो गाइस, हमारा जो ऊपर का पीवीसी शीट था उसको हमने ऐसी तरह कर लिया है, आपको भी ऐसी तरह कर लेना है। और इसको लास्ट में एक होल कर लिया है जो हमारा इसके ऊपर हम अच्छे से फिटिंग कर सके। और उसके बाद हमारा जो पाइप का टुकड़ा था उसको भी हमने थोड़ी सी बड़ा कर लिया है। और उसके बाद हमारा इस पीस से और पाइप से तो फेविक्विक दे के अच्छे से चिपकाना पड़ेगा, तो हम जल्दी से चिपका लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारा जो इस मॉडल को चिपकाना हो चुका है, और हमारा पेंसिल कटर एकदम बन के रेडी हो चुका है। तो हमारा जो पेंसिल कटर कैसे लग रहा है मेरे को कमेंट करके बता देना, और आपको वीडियो को देख के अगर कुछ जानकारी मिला तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और एक वीडियो में एक लाइक कर देना। तो चलो, इसका ऊपर में एक आपको ऐसी तरह पिन भी होगा तो चलेगा। मेरे पास पिन नहीं था, मैं तो स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करने वाला हूँ। तो इसका लॉक सिस्टम में किया हो, इसके अंदर अगर दे दोगे तो ये थोड़ी सी वाइब्रेट कमा देगा और वाइब्रेट ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके लिए इसके ऊपर मैंने इसको ड्राइवर टाइप कर दिया है। आपका पास अगर पिन होगा तो आप पिन दे देना। तो चलो, इसको टेस्टिंग देख लेते हैं।
तो गाइस पेंसिल कटर जो है वो काम तो कर रहा है, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि हमारा मोटर का आरपीएम कम है। और आप अगर चाहते हो तो आप ज़्यादा आरपीएम का मोटर यूज़ करना, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं इस मोटर का यूज़ किया है। और ये काम कर रहा है, क्योंकि बीच में अटक जा रहा है, क्योंकि हम बीच में ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, तो आप ये काम का लायक है। बट आप अगर चाहते हो तो आप ज़्यादा आरपीएम का मोटर यूज़ करना। तो वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बता देना, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक कर देना। ऐसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखना। तो बाय बाय।